गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मानव घोल के मूल सिद्धांतों में तीसरे और अंतिम सिद्धांत की, वातावरण समायोजन का सिद्धांत। इससे पहले के वीडियो में सबसे पहले सिद्धांत की अपन ने बात की थी, क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसमें अपन ने कहा कि प्रकृति का प्रत्येक तत्व गतिशील अवस्था में है। दूसरे पाठ में अपन ने बात की पार्थिव एकता का सिद्धांत, जिसको अंतर संबंध का सिद्धांत कहा, जिसमें अपन ने बात की कि पृथ्वी का कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। तीसरे और अंतिम सिद्धांत की अपन बात करते हैं आज के इस वीडियो में, वातावरण समायोजन का सिद्धांत। और वातावरण समायोजन, जैसा नाम से स्पष्ट है, दोनों शब्दों की यदि बात करें तो वातावरण, वातावरण अपन जैसा प्रारंभ में भी बात की थी कि मानव भूगोल में वातावरण है वो दो प्रकार का माना जाता है। अपन ने कहा प्राकृतिक वातावरण और अपन ने कहा सांस्कृतिक वातावरण, जिसको अपन मानवीय वातावरण भी कहते हैं, जिसका निर्माण स्वयं किसके द्वारा किया गया है, मानव के द्वारा किया गया है। तो चाहे तो अपन कहें प्राकृतिक वातावरण और चाहे अपन कहें मानवीय या सांस्कृतिक वातावरण। दूसरी यहाँ पे बात आती है समायोजन, एडजस्टमेंट, जिसको अपन कह सकते हैं। समायोजन की जो क्रिया है वो किसके द्वारा की जाती है, मानव के द्वारा, क्योंकि मानव भूगोल का संपूर्ण जो अध्ययन है वो किसके संदर्भ में किया जा रहा है, मानव के संदर्भ में। चाहे मानव का उसके साथ प्रत्यक्ष संबंध हो, चाहे मानव का उसके साथ अप्रत्यक्ष संबंध हो, तो मानव के द्वारा निवास की जो क्रिया है, जिस क्षेत्र में वो निवास कर रहा है, और मानव के द्वारा क्रियाओं का जो अध्ययन है, मानवीय क्रियाएं, व्यवसाय जिसको अपन कह रहे हैं, चाहे मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, आवश्यकता चाहे प्राथमिक आवश्यकता हो चाहे मानव की उच्च आवश्यकता हो, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मानव जो भी कार्य करता है, चाहे उत्पादन संबंधी कार्य करता हो, चाहे वो निर्माण संबंधी कार्य करता हो, चाहे वो वस्तुओं के आदान प्रदान यानी व्यापार संबंधी कार्य वो करता हो, तो जो भी क्रिया मानव के द्वारा की जाती है, चाहे मानवीय निवास, स्वयं का जो निवास है, जिस क्षेत्र में वो निवास कर रहा है, तो संपूर्ण जो क्रियाएं हैं, स्वयं मानव या मानवीय जो क्रियाएं हैं, वो किसका परिणाम मानी जाती है, समायोजन का परिणाम मानी जाती है, एडजस्टमेंट का परिणाम होती है, कि वो एनवायरमेंट के साथ कैसे वो एडजस्टमेंट करता है। अब ये जो समायोजन होगा, अब समायोजन की जो क्रिया होती है, मानव को प्राकृतिक वातावरण से भी समायोजन करना पड़ता है, मानव को सांस्कृतिक वातावरण से भी समायोजन करना पड़ता है। अब वो समायोजन कैसे होगा कि विभिन्न प्रदेशों के वातावरण द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के अंदर कोई भी वातावरण, चाहे अपने कहा कि चाहे प्राकृतिक वातावरण हो, चाहे सांस्कृतिक या मानवीय वातावरण हो, उसके द्वारा निर्धारित की गई जो सीमाएं हैं, सीमाओं का अर्थ लिया जाता है कि वहां की जो दशाएं हैं, तो सीमाओं के अंदर वहां के निवासी मानव वर्ग अपनी आवश्यकताओं क्षमताओं के अनुसार वातावरण के साथ समायोजन करके उन प्रदेशों का क्षेत्र संगठन करते हैं। क्षेत्र संगठन का अर्थ लिया जाता है कि प्राकृतिक और मानवीय वातावरण के साथ जो एडजस्टमेंट का कार्य जो होगा, समायोजन का जो कार्य होगा। प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के भिन्न भिन्न तत्व मानव के भोजन, वस्त्र, निवास, व्यवसाय और सामाजिक संस्कृति पर प्रभाव डालते हैं। मानव उनके प्रभावों के अनुसार अपने रहन सहन का अनुकूलन करता है और इसके अलावा वातावरण में भी कुछ परिवर्तन करता है। इन क्रियाकलापों को वातावरण समायोजन कहा जाता है। अर्थात अपन बात कहें तो मानव के द्वारा चाहे प्राकृतिक वातावरण और चाहे सांस्कृतिक वातावरण से कौन सी क्रिया, यहाँ पे दो बातें आती है कि एक तो अनुकूलन की क्रिया और एक परिवर्तन की क्रिया। अनुकूलन और परिवर्तन की जो क्रिया होगी किसके साथ, वातावरण के साथ। वातावरण कौन सा, प्राकृतिक वातावरण, जो वहां की भौतिक दशाएं हैं, भौगोलिक दशाएं हैं, चाहे सांस्कृतिक यानी मानवीय वातावरण। अब दोनों के साथ मानव को क्या करना होगा, अनुकूलन करना होगा, या मानव को क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा। और अनुकूलन परिवर्तन दोनों का परिणाम किस क्या माना जाता है, समायोजन। किसी भी क्षेत्र में मानवीय निवास होगा तो मानवीय निवास उसी अवस्था में संभव है जब मानव वहां के वातावरण से समायोजित हो चुका हो।
चाहे उसने अनुकूलन किया हो चाहे उसने परिवर्तन किया हो, ये एक दूसरी बात है। लेकिन वहां पर मानवीय निवास, मानवीय क्रियाओं का पूरा होना, पूर्ण होना किसका परिणाम है? वातावरण समायोजन का परिणाम है। उदाहरण के तौर पर यदि अपन बात करें तो आप देखिए वर्तमान समय में विश्व की सबसे प्रमुख आदिम जो जनजातियां मानी जाती हैं, एस्किमो जनजाति जो शीतकटिबंधीय प्रदेश टुंड्रा प्रदेश, शीतकालीन शीतकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ का धरातल वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, आर्कटिक प्रदेश, ग्रीनलैंड में निवास करने वाली एस्किमो जनजाति। दूसरे उदाहरण की बात करें कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली बुशमैन जनजाति दक्षिणी अफ्रीका, और कांगो बेसिन जायरे बेसिन, कांगो नदी का परिवर्तित जो नाम है जायरे, तो कांगो नदी का दलदली क्षेत्र कांगो बेसिन जिसको अपन जायरे बेसिन भी कहते हैं, तो कांगो बेसिन उष्ण आर्द्र क्षेत्र में निवास करने वाली पिग्मी जनजाति विश्व की सबसे प्रमुख आदिम जनजातियों में से मानी जाती है। यदि यहाँ पे वातावरण समायोजन की बात करें तो आप देखिए एस्किमो जनजाति जहाँ निवास कर रही है वहां का धरातल यानी ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है उसके तटवर्ती भाग में निवास करने वाली एस्किमो जनजाति जहाँ निवास करती है वहां का धरातल पूर्ण रूप से इनसे आच्छादित है। तापमान वर्ष भर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ग्रीष्मकालीन अवधि लगभग अधिकतम 3 से 4 महीने की, और अधिकतम वहां का तापमान ग्रीष्म काल में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसी स्थिति में जहां वर्ष के 9 से 10 महीने शीतकाल के हों, धरातल हिमसे आच्छादित हो, प्राकृतिक वनस्पति का अभाव हो, मृदा का अभाव हो, जीव जंतुओं का अभाव हो, ऐसे विकट क्षेत्र में विकट परिस्थितियों में विकट भौगोलिक दशाओं में